हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लांट के उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए तथा इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाए। मंत्री विवाह शाम को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मुख्य प्रशासक सुमेधा कटारिया भी उपस्थित थी। कृषि मंत्रालय ने कहा कि शहरों में श्रेणियों के अनुसार मीडिया की ए बी सी व डी श्रेणी बनाकर इनमें उपलब्ध प्लांट बिक्री के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा महीने में कम से कम दो बार ई निविदाएं मांगी जाएं तथा ई निविदाओं को तत्काल स्वीकृत प्रदान करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित की जाए, प्लांट के आरक्षित मूल्य कलेक्टर रेट से कम रखे जाएं। इस प्रकार बोर्ड के जितने भी विवादित मुद्दे चाहे वह विभाग के उच्च अधिकारियों के पास हो या अदालतों में या किसी अन्य स्तर पर निलंबित हैं, सभी के समाधान के लिए एक मुश्त निपटान योजना भी तैयार की जाए। जनहित के लिए बोर्ड को एक सफल उपक्रम के रूप में सुलभ तरीके से चलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।